नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। सीएए और एनआरसी के विरोध में देखिए किस तरह से पटना के आलमगंज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम भी हैं, सर पर हरे रंग की पट्टी बांधी गई जिस पर रिजेक्ट एनआरसी और सीएए लिखा हुआ है। हमारी संवाददाता गरिमा ने क्या कुछ बातचीत की है अफजल इमाम से और वहाँ पर मौजूद लोगों से, सुनिए आप। काला बिल है भारत के संविधान के खिलाफ। अम्बेडकर ने भारत मोहब्बत से संविधान बनाया था, उस मोहब्बत में ये हरापन पीतापन डालने का प्रयास है। हम लोग चाहते हैं कि हम देश में अमन के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सब लोग मिलकर रहे और भारत पूरे दुनिया की मोहब्बत का प्रतीक था और प्रतीक है। यही मांग है कि हम लोगों की मोहब्बतों में कमी ना की जाए, हम लोग मोहब्बत में नमक ना डालें। जी, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, भीड़ काफी दिख रही है पीछे। बिल्कुल, हम लोगों ने आग्रह किया है, हम लोगों के पास 200 गुलाब का फूल है, सारे दुकानदार को मैं गुलाब आपको भी देता हूँ। मैं लालू जी का फरमान है, हम लोग अमन से निकलेंगे। इमाम हमारे साथ है और पूरा उनके साथ आज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये मैसेज है मेरा। जब हम एक करोड़ थे तब हम और आज हम 1.25 करोड़ हैं देशवासी। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एनआरसी और सीएए सही नहीं है, कानून गलत है और इसको वापस लेना चाहिए। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रखना। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए liveCities.in पर जाएँ। धन्यवाद।